बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आते? हम जो चैनल शुरू करते हैं या हमने जो चैनल शुरू किया हुआ है उसके ऊपर हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आते, आखिर क्या वजह है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूबर हैं या नहीं हैं, आप ये वीडियो लाजमी पूरी देखें। हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी वीडियो बनाने का सोचें या यूट्यूब चैनल बनाने का सोचें, तो ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए मुफीद साबित हो। अच्छा, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ के क्यों नहीं आते, उसकी कई रीज़न हो सकती हैं। उसमें से एक रीज़न मैं इस वीडियो में बयान करूंगा, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, और वो रीज़न क्या है वो इस वीडियो में बताने से पहले ही और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये रीज़न पसंद आई, अगर आपने समझा कि मेरी बातें ठीक हैं, तो इसके बाद मैं इसका पार्ट टू बनाऊँगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आते? मैं YouTube के ऊपर 6 साल से हूँ। YouTube के ऊपर मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड की हैं और मेरे से बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, व्यूज़ ना आने की बुनियादी वजह क्या है। मैंने जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर देखे हैं या फिर जो न्यू यूट्यूबर देखे हैं, वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि वो जब भी देखते हैं कि कोई बड़ा चैनल जिस वीडियो के ऊपर मिलियन व्यूज़ हैं, वही वीडियो उसका थंबनेल कॉपी करते हैं, उस वीडियो का टाइटल कॉपी करते हैं, उस वीडियो के टैग कॉपी करते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन डालकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। और बस ये बंदे काम करते हैं कि वही वीडियो उठाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है। पहली बात तो ये है, अगर वो अपना कंटेंट बनाते हैं, थंबनेल उसका, टाइटल उसके, टैग उसके, सारा कुछ उसका कॉपी करके जब अपने चैनल के ऊपर डालते हैं तो व्यूज़ नहीं आते। क्यों नहीं आते? यूट्यूब का एक सिस्टम है, जो वीडियो वायरल होगी, अब उसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे, उसी थंबनेल को, उसी टाइटल को, उसी टैग को, उसी डिस्क्रिप्शन को जब आप यूज़ करोगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि ये आप कुछ चोरी कर रहे हो, ये आपका कॉन्टेंट नहीं है, आपने चोरी किया है। चाहे उस वीडियो में आप ही हूँ, आपका ही सारा कंटेंट हो, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं होती। जो वीडियो वायरल होगी वो उसकी किस्मत है और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस वीडियो में YouTube को जान लगी और YouTube ने वो वीडियो वायरल कर दी। तो आपको सबसे पहले अगर आपने कामयाबी की सीढ़ी तय करनी है YouTube के ऊपर, तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो बनानी पड़ेगी, अपना थंबनेल बनाना पड़ेगा, अपने टाइटल लगाना पड़ेगा, अपने टैग्स देने पड़ेंगे। टैग से मुराद वो टैग जो आप के उस वीडियो से रिलेटेड है। जब तक आप लोगों का कंटेंट कॉपी करते रहेंगे, उनके थंबनेल कॉपी करते रहेंगे, और जो लोग वो इस तरह के काम करते हैं, तो उनके चैनल कभी भी ग्रो नहीं करते। ये मैंने एक रीज़न आपको बता दी है। अगर आपको रीज़न पसंद आई है, अगर आपने इस तरह का काम पहले किया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने क्यों ये काम किया और उसकी वजह क्या थी, और क्या आपने समझकर ये काम किया था कि इस तरह कर लेंगे तो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे। तो कतन ये काम मत करें, अपना कंटेंट बनाएं, अपना यूनिक कंटेंट बनाएं, अपना यूनिक थंबनेल बनाएं, तो ये तब जाकर आपके व्यूज़ आएंगे। ये था इसका पार्ट वन। अब इसका पार्ट टू मैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर बनाऊँगा। अगर आपको रीज़न पसंद आई है तो मैं इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर मैंने जो सजेशन होती हैं और जो मैंने टिप्स देने वाले जो वीडियोस हैं, वो हो सकता है हफ्ते में एक डालूं, लेकिन वो मैं रिक्वेस्टेड बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा दूसरा काम होता है, तो इस वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। तो आपकी अगर रिक्वेस्ट आई, अगर आपने समझा कि मैंने जो आपको बातें की हैं वो सारी ठीक हैं, तो तब मैं वीडियो बनाऊँगा, बसूरत दिगर नहीं बनाऊँगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अल्लाह से दुआ है कि आप सारे यूट्यूब के ऊपर कामयाब हों। अल्लाह हाफिज़, बाय।